थाना बड़गांव क्षेत्र के गांव शिमलाना में उस समय अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया जब एक किसान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वहीं परिजनों व ग्रामीणों ने विद्युत विभाग की टीम पर आरोप लगाते हुए बताया कि गुलाब सिंह को मात्र 28,000 रुपए जमा न करने को लेकर विद्युत विभाग की टीम ने इतना अपमानित किया कि किसान गुलाब सिंह ने आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर डाली। ग्रामीणों ने बताया कि विद्युत विभाग के लगभग 28,000 रुपए का बकाया था। उसी बकाया भुगतान को लेने विद्युत कर्मचारी गांव पहुंचे और पैसा जमा करने को कहा तो किसान ने 2 दिन का समय मांगा, लेकिन विद्युत विभाग ने एक न सुनी। आरोप है कि विद्युत विभाग कर्मचारियों ने किसान के साथ जमकर अभद्रता की, इसी के चलते किसान ने आत्महत्या कर ली। किसान की मौत की सूचना पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। गुस्साए ग्रामीणों ने शव को रोड पर रखकर जमकर काटा हंगामा। रोड जाम की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे जिला अधिकारियों ने ग्रामीणों को बामुश्किल समझा बुझाकर शांत किया और शव कब्जे में लेकर पीएम को भेजा। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। देवबंद से साजिद खान के साथ अफजल सिद्दीकी की रिपोर्ट। देखिए, ये गुलाब सिंह नामक व्यक्ति हैं, ग्राम शिमलाना थाना बड़गांव के रहने वाले। आज जानकारी हुई है कि इनका असामयिक निधन हो गया है। इस पर इनके परिवारजनों द्वारा जो विद्युत विभाग है उनके कर्मचारी अधिकारी पर आरोप लगाया कि कथित रूप से उनकी प्रताड़ना के कारण इनका देहांत हुआ है। इस संबंध में स्थानीय लोगों ने रोड पर जो है जाम लगा दिया। पुलिस मौके पर पहुंची, शांति व्यवस्था बनाई, लोगों को समझाया बुझाया गया, उनको बताया गया कि इसमें जांच कराई जाएगी। इस आश्वासन पर जांच कर दिया गया। आप देख रहे हैं इंडिया 24 टीवी।